नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम एक डिफरेंट वीडियो के साथ आए हैं। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से आईब्रो को शेप देने का तरीका शेयर करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी मॉडल है और इनके आईब्रो को हम लोग सेट करेंगे। और सेट करने से पहले आप देख लीजिए कि आईब्रो का शेप किस तरह से है, तो हमारे क्लाइंट को किस तरह से शेप चाहिए, सेम चाहिए या फिर चेंज करना है, ये आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद से उसको ब्रश कीजिए। ब्रश करके ऊपर की तरफ से जितने भी बहुत लोगों के आईब्रो के हेयर जो होते हैं थोड़े से कर्ली होते हैं, अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत अच्छी तरह से उसको कॉम कीजिए। और ज़रूरत पड़े तो आप कॉम में थोड़ा सा हेयर जेल ले लीजिए और उससे आप ऊपर की तरफ से सारे हेयर को कीजिए। और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं आपको उसको कट कर लीजिए। उसके बाद से आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं आईब्रो का शेप, या फिर ऐसे आप इस तरह से जितना चौड़ा रखना है जितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के आईब्रो के शेप काफ़ी अच्छे हैं और उनको बस उसी शेप में चाहिए, जितना एक्स्ट्रा हेयर है बस उसे ही रिमूव करना है। तो उसके लिए हम उसी डायरेक्शन में रखेंगे। और आप धागे को थ्री फिंगर में लीजिए और अच्छी तरह से जब आपका सर्कल अच्छी तरह से बन जाता है फिर धागे को रखिए और उसको शेप के अनुसार थोड़ा सा ट्रायंगल में रख के खींचते हुए चले जाइए। और ये कोशिश कीजिए कि एक बार में आप जितना शेप है उसके आकार का आप धागा खींचे, तो इससे एकदम लाइन क्लियर आती है और इधर उधर बाल नहीं होते हैं। तो सामने से हम लोग आईब्रो को सेट करते हुए ऊपर की तरफ गए हैं, फिर वहाँ पॉइंट को टच नहीं करेंगे, पॉइंट छोड़ देंगे। और पॉइंट के बाद से हमें नीचे की तरफ से टर्न कर लेना है और उसके बाद जितना फोरहेड पर हेयर है उसको अच्छी तरह से रिमूव करना है और थोड़ा थोड़ा करके फोरहेड के आसपास के एरिया के निकाल देना है हेयर को। और देखते रहना है कि कहीं कम ज़्यादा नहीं है और ना हो हेयर, और उसको अच्छी तरह से शेप में लेना है। तो जब आपका हेयर ऊपर की तरफ का निकल चुका है और फिर नीचे आपको बनाना है, तो नीचे के लिए आप नीचे के स्किन को हाईलाइट को खींच लीजिए और फिर ऊपर जहाँ पे पॉइंट है उसको ऊपर की तरफ खींचिए। इस तरह से स्किन को अच्छी तरह से पकड़ लेना है और फिर उसी तरह से आपको धागा चलाना है जैसे आपने ऊपर चलाया था। तो इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में रख के धागे को रखना है और उसको झटके से खींच के निकालना है। लेकिन उसको खींचते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हेयर आपको एक्स्ट्रा लगे, जो आपको निकालना है, उसी बाल को धागे के अंदर लेना है और उसको खींच के निकालना है। और इस जब नीचे का आईलेट पर हम लोग बनाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है कि वो ढीला नहीं होना चाहिए, स्किन ढीला रहने से कट हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टाइट पकड़ना है। फिर हमें सेकेंड साइड आना है और सेम प्रोसेस से हमें सेकेंड आईब्रो को भी बनाना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि शेप के अनुसार आप धागे को सेट करें और झटके से खींचें। धागे को सेट करके जब रखेंगे और देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा हेयर है उसके अंदर आ चुके हैं और धागा बिल्कुल स्किन में टच होना चाहिए, ऊपर साइड का भी नीचे साइड का भी, और उसके बाद से आप जब खींचेंगे तो बिल्कुल इक्वल में आपका हेयर रिमूव होगा और बिल्कुल लाइन पड़ेगी। लाइन पड़ने से एकदम क्लियरिटी आती है, काफ़ी खूबसूरत लुक मिलता है, बाल इधर उधर से नहीं निकलते हैं। और इस तरह से आप ऊपर का बना लीजिए और जब ऊपर का आईब्रो सेट हो जाता है तो फिर इसमें भी आप नीचे साइड आ जाएंगे और उसको भी ऐसे ही पकड़ेंगे। और कभी भी आप नीचे का जब बनाते हैं तो फिर आपको जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है तो पॉइंट के सामने ही ऊपर का आईब्रो खींचना होता है। जब उसको खींचेंगे तो वो ट्रायंगल से अपने आप आता है और फिर अच्छी तरह से हेयर को आप रिमूव कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जितना एक्स्ट्रा हेयर है बस उतने ही आपके धागे के अंदर आने चाहिए, और एक्स्ट्रा अगर आएगा तो इधर उधर से निकल जाएंगे, तो इसमें बहुत ध्यान से आपको बनाना है।
बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं लगेगी, बहुत आसानी से आप थ्रेडिंग बना सकते हैं और शेप भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप आईब्रो का शेप दीजिए, किसी को गोल चाहिए, किसी को ट्रायंगल चाहिए, किसी को बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो चाहिए होता है, तो आप उस तरह से शेप दीजिए। और फिर बिंदी पॉइंट को भी अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से कॉटन से साफ़ कर दीजिए, और साफ़ करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए या फिर आप आफ्टर लोशन भी लगा सकते हैं। इससे किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है और एलर्जी भी नहीं होती है, तो आप आफ्टर लोशन लगा सकते हैं। और देखिए कि हम लोग बिंदी पॉइंट को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, तो बिंदी पॉइंट को क्लीन करते समय आप आईब्रो का स्टार्टिंग जहाँ से है वहाँ पे एकदम सीधी लाइन क्रिएट कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा शेप आता है आईब्रो में। और फिर थोड़ा सा धागे को अरेबिक शेप में रखिए और उस तरह से खींच दीजिए। तो ये हम लोगों का बन चुका है आईब्रो, देखिए दूसरे साइड भी हम निकाल रहे हैं। इस तरह से आप निकाल लीजिए और फिर कॉटन से जो भी हेयर निकले हैं फेस पे आ जाते हैं उसे अच्छे से क्लीन करना है। तो अभी देखिए हम लोग लोशन लगा रहे हैं, और लोशन लगा के हमें थोड़ा सा मसाज देना है, आई मसाज देना है। तो मसाज के स्टेप आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आपको स्टेप देने हैं ताकि जो हेयर निकलते समय पेन होता है तो उसमें थोड़ा सा आप मसाज दे देंगे तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा क्लाइंट को, और जो पेन हुआ है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे क्लाइंट का आईब्रो का शेप क्रिएट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप धागा चलाइए तो फिर अंगूठे से थोड़ा थोड़ा टच करिए, जहाँ से आपने धागा खींचा वहाँ पे थोड़ा अंगूठा टच करने से काफ़ी पेन जो होता है वो कम हो जाता है और काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये थ्रेडिंग बनाने का तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।